केमिकल्स नहीं डाला, केमिकल लेस फार्मिंग बोलते हैं। ऑर्गेनिक का जो हिंदी वर्जन है ना, दैट इज सजीव खेती बोलते हैं, जीवन कृषि जिसको बोलते हैं, मतलब जिसमें जीवन। आजकल हम जो खा रहे हैं ना, वी नो कि डे बाय डे हम लोगों की एनर्जी डाउन होती है, पहले से ज़्यादा मैक्सिमम फूड हम कंज्यूम करते हैं, जो पहले गांव में भी नहीं था, अभी भी नहीं है, वहाँ पे अपने जितनी वैरायटीज नहीं होती, फिर भी दे आर मोर स्ट्रॉन्गर देन अस। तो हम लोग जो अभी केमिकल फूड खा रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट हम लोगों की एनर्जी डाउन हो रही है। तो हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब फार्मिंग को ना हम टीम लेवल में कर सकते हैं, जैसे अपना मेडिसिन में होता है, वन इज़ एलोपैथी, सेकेंड इज़ होम्योपैथी, थर्ड इज़ आयुर्वेद। वी ऑल नो कि एलोपैथी का साइड इफेक्ट्स होता है, वो इंस्टेंट रिजल्ट देता है, पर देन साइड इफेक्ट उससे भी ज़्यादा खराब होता है, दैट्स नॉट गुड। सेम लाइक केमिकल फार्मिंग, जैसे बोला ना कि घर पे आते हैं बहुत कुछ अच्छा होता है, रोज़ या कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है, धीरे धीरे दे डाइट अगर उसको नहीं मिलता है, तो सेम लाइक केमिकल फार्मिंग इज़ लाइक एलोपैथी। देन सेकेंड, नो केमिकल, केमिकल लेस फार्मिंग, उसमें और कोई बेनिफिट्स नहीं है, जो एक नेचुरल हो जाता है, दैट्स फाइन। बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ अच्छा नहीं भी डाला, वो सर्वाइव कर लेते हैं, बट नॉट सो बेनिफिशियल, इतना अच्छा ग्रोथ नहीं होता, एक नॉर्मल रहता है। इट्स लाइक होम्योपैथिक, आप उसको दो वो बहुत अच्छा है, पर आपको कुछ ज़रूरत नहीं है तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन भी नहीं ले सकते हो, दे स्टॉप समटाइम्स के, बस अभी आपका क्योर हो चुका है, यू नेवर टेक इट लाइफ लॉन्ग, अदरवाइज वो नुकसान करना चालू कर देता है। तो इस लाइक उसका कोई, अगर आप लेते रहो तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ वी कैन कंपेयर वी अवर आयुर्वेद, जिसको आपको ज़रूरत हो या ना हो, अगर हम लेते तो एक्स्ट्रा बेनिफिशियल ही होता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन में कैसे होते हैं, जैसे ब्राह्मी है, बच्चों को रोज़ बुद्धि सबकी अच्छी ही होती है, पर फिर भी आप दो तो वो ज़्यादा शार्प होती है, कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ता है। तो वैसे ही इसके हिसाब में जिसमें जीवंतता है, जिसमें लाइफ है, उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। तो भी आज हम लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग की क्यों इतनी ज़रूरत पड़ी, बिकॉज केमिकल से बहुत कुछ खराब होता है। तो घर पे क्यों करना है, मार्केट में सब मिलता है, मार्केट में ऑर्गेनिक भी मिलता ही है, तो हमें घर पे क्यों करना है ऑर्गेनिक की जगह। इतना करने के बाद भी 99% वी आर डिपेंडेंट ऑन मार्केट, मार्केट से लाना ही पड़ेगा, दो करेले में कुछ होने वाला नहीं। तो क्यों करना है घर पे, तो फर्स्ट थिंग, पहले तो जो फार्म फ्रेश होता है ना, वो केमिकल वाला भी रहेगा तो भी जो फार्म फ्रेश है वो मच मच बेटर, जो हम या तो कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ खाते हैं, या जो मार्केट में आता है वो भी 5-6 दिन बाद का होता है, नॉट फ्रेश के आज भाजी तोड़ी और मार्केट में आ गई। फिर उसको जिस तरीके से लाया जाता है, मिंट को या किसी भाजी को आप देखो, जिस तरीके से गुनी बैग में वो लोग भर भर के लाते हैं, और एक गुनी के ऊपर कितना सारा होता है, पूरा स्मेल फ्लेवर टेस्ट मुझे लगता है वो गुनी बैग में ही होता है, मिंट तो बेचारा। और आप सोचो कि हमें कोई ऐसे उठा के लेके जाएगा, हमारे पर 100 लोगों को बिठा के, हम जब पहुंचेंगे वहां पे हमारी हालत क्या हो, तो वो प्लांट में क्या रहेगा, क्या रहेगा जो हमें इतना बेनिफिशियल हो। तो जितना भी हम घर पे उगा सकते हैं ना, तो फार्म फ्रेश पे घर पे हम जब उगाते हैं तो पहले तो वो ऑर्गेनिक है। मार्केट में क्या ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक के नाम पे क्या मिल रहा है मुझे नहीं पता है, बहुत कुछ चल रहा है अभी ऑर्गेनिक के नाम पे, गंदे से गंदा फूड ऑर्गेनिक के नाम पे बिकता है, क्योंकि एक ऑर्गेनिक का रूल होता है, जो नेचुरल प्रोसेस में आपको बहुत खूबसूरत फ्रूट्स नहीं मिलते, बहुत बड़ी साइज के नहीं मिलते, जो नेचुरल होते हैं, जब आप केमिकल डाल के इंजेक्शन डाल के बनाओगे तो उसकी शाइन, उसका साइज़ वो सब डिफरेंट होता है नेचुरल फ्रूट्स। तो क्या बोलेंगे खराब रहेगा ना, तो क्योंकि ये नेचुरल है ऐसे ही होता है, उसका कलर और उसका टेस्ट वो आपको बताए, साइज से डिपेंड नहीं होता है। तो कलर और, पर मुझे पता ही नहीं कि मार्केट में क्या ऑर्गेनिक है क्या नहीं, मेरे जब भी रिलायबल सोर्सेज नहीं है मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट, मतलब मत रहिएगा ऑर्गेनिक के नाम पे, आप ढूंढेंगे वो सच में ऑर्गेनिक है, केमिकल लेस फार्मिंग को, या फिर जो प्रॉपर केमिकल डाल के बनाते ना, कि चलो भाई उसको 1 मिलीग्राम ही चाहिए 1000 लीटर, उतना ही हमने डाला है, उसको भी वो लोग ऑर्गेनिक बोलते हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल ऑर्गेनिक। तो घर पे जो मैंने उगाया है मेरे सामने, मुझे पता है कि मैंने इसमें क्या डाला है, कैसे हुआ। सेकंड थिंग, आप सब ये मानते हैं कि वाइब्रेशंस वर्क करते हैं, डेफिनेटली। अच्छा, अभी मार्केट्स में जो भी कुछ बिकता है वो किसके लिए, पैसे के लिए उगाया हुआ खाना है। आजकल हम सब लोग मनी ओरिएंटेड हैं, बोलते ना जैसा अन्न वैसा मन, पैसे के लिए उगा
उगाया हुआ खाना हम लोग खा रहे हैं तो हम लोग भी मनी ओरिएंटेड हो चुके हैं, हर चीज में पहले फायदा देखते हैं, उसीलिए वहाँ पे ना रातों रात फ्रूट बड़ा भी हो जाए। घर पे जब मैंने उगाया है वो किसके लिए उगाया है? अपनी खुशी के लिए, मुझे अच्छा लग रहा है, कुछ नेचर के साथ में रहते हैं, वो पैसे के लिए तो डेफिनेटली नहीं उगा है, उसमें लव और केयर है। तो जब वो हम कंज्यूम करते हैं तो हमारे अंदर क्या जाता है? और जब हम पानी देते ना पौधों को तो भी हम बहुत अच्छे से थॉट्स लेके देते हैं कि ये पौधों में इतनी ताकत भरो क्योंकि ये पौधा लेके ही हमारे बच्चे बड़े होने वाले, हम लोग खाने वाले, तो हमारे परिवार में प्रेम और सुलभ बढ़े, हमारे बच्चों में ताकत आए, हमारे लिए अच्छे काम हो, जो भी हमें अच्छा सोचना है चैंटिंग कर सकते। तो हम लोग जब भी एक पानी डालते ना तो एक चैंटिंग के साथ में एक अच्छे थॉट के साथ में डालते, जब वही तुलसी का पत्ता वही पानी लेके बड़ा हुआ है और मैं जब उसको खाऊंगी तो मेरे अंदर क्या जाए, सबसे बेस्ट वो होता है। एंड सेकेंड थिंग कि हमें पता है कि घर पे बहुत कम होने वाला है तो क्यों घर पे करेंगे? तो जब हम रोज 3 टाइम थाली भर के खाना खाते हैं हम लोग फिर भी बीमार होते, पर बीमार होते तो दवाई की साइज क्या होती है? थाली भर के होती है 3 टाइम। कितनी भी बड़ी बीमारी हो ना, कैंसर भी क्यों ना हो, दिल की साइज बहुत ही छोटी होती है, डोजेज होते हैं उसको, वो भी एक्सेस नहीं लिया जाता, फिर भी इतनी छोटी सी दवाई हमारी पूरी बीमारी को ठीक कर देती है। थाली भर के जो खाना खाया था उसकी वजह से ही लूज मोशन हो गया, फिर भी कितनी छोटी सी दवाई की वजह से वो ठीक हो। वैसे ही अगर घर पे हम ऑर्गेनिक करते हैं तो भले थोड़ा सा ही अगर हम वो ले रहे हैं ना तो भी उसका मैक्सिमम बेनिफिट हमें मिलेगा, जो बाहर का केमिकल फूड हम लोग खा रहे हैं ना उसका इम्पैक्ट ग्रेजुअली कम हो जाएगा आपको, वो डेफिनेटली आपको रोज कंज्यूम करने के बाद विद इन अ ईयर आपको पता चल जाएगा कि आपके थॉट में या आपके हेल्थ में या आपके वाइब्रेशंस में घर में क्या क्या चेंज हो रहा है, बहुत कुछ पॉजिटिव भी होता है। और ये हम लोगों का तो एक्सपीरियंस है, यहाँ पे भी हम लोग को बहुत कुछ पॉजिटिविटी लग रही है, हम लोगों को भी जो भी आता है ना वो तुम्हें घर पे भी पॉजिटिव, और ऑक्सीजन तो देते ही देते हैं पौधे, तो जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होता है वहाँ पे भी पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है। तो दिस इज द मेन रीज़न कि हमें घर पे ऑर्गेनिक करना है। अभी हम लोग जितने भी फ्लावरिंग पॉट्स वगैरह रखते हैं तो उससे क्या होता है, खूबसूरती बढ़ती है, ऑक्सीजन तो वो भी देते हैं नो, पर सिर्फ खूबसूरती करते हैं या तो ज़्यादा वो फूल हम लोग भगवान को चढ़ा देते हैं, फिर फाइनली वो फूल कचरे में जाते हैं, उससे कोई और बेनिफिट्स नहीं होता। मैं उतना ही टाइम उतनी ही एनर्जी पानी खाद सब एक गमले को दे रहे हूँ पर मुझे क्या मिल रहा है उससे, सिर्फ देखने के लिए अच्छा लग रहा है। पर उसी की जगह पर अगर मैं कुछ ऐसे पौधे लगाऊँ जिसको मैं रोज़ यूज़ कर सकूँ और भगवान को वही फूल पत्ते चढ़ते हैं जिसका कुछ न कुछ मेडिसिनल वैल्यू होता है किसी भी भगवान, अगर गुलाब मोगरा हर कोई फूल नहीं चढ़ता हर भगवान को तो उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है, मेडिसिनल वैल्यू होती है। और हर मोस्टली क्या होता है जो भगवान को चढ़ता है वो प्रसाद के रूप में हमें खाना होता है। तो अगर हमारे घर में 10 फूल होते हैं आप एक भगवान को चढ़ाओ 9 खुद यूज़ करो, जब हमारा माइंड प्योर होगा ना तो वो अपने आप वो प्योरिटी